Hello students, now in this video we will study about energy stored in a capacitor. Capacitor में कितनी energy stored हो सकती है. तो इसमें basically concept वही लगेगा, जब हम किसी charge को लेके आते हैं तो charge को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, work done करना पड़ेगा, और वो work done हमारा potential energy की form में क्या हो जाएगा, store हो जाएगा. तो same concept है. Suppose ये हमारा एक capacitor है, ये हमारा एक है कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू क्या है, सी. ठीक है, अब अभी इसके ऊपर चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, इनिशियली इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. अब हम इसको चार्ज करना शुरू करेंगे. थोड़ा सा हमने सपोज चार्ज दिया, इनिशियली चार्ज क्या है, जीरो. थोड़ा सा चार्ज देने के बाद तो वी गिव इट चार्ज क्यू डैश. कितना हमने चार्ज दिया इसको, क्यू डैश चार्ज. अब इसके ऊपर थोड़ा सा चार्ज आ गया से क्यू डैश. ठीक है, कितना चार्ज आ गया, क्यू डैश चार्ज आ गया. अब फर्दर अगर आपको इसको चार्ज देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, है ना. तो नाउ फॉर फर्दर चार्जिंग, क्या फर्दर चार्जिंग, वर्क इज टू बी डन. ठीक है, फर्दर चार्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा. ठीक है, तो जब इस पे Q डैश चार्ज आ गया तो कुछ पोटेंशियल भी आ गया, तो मान लो V डैश हो गया, V डैश इज इक्वल टू Q डैश बाय C, वो इसका क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया. ठीक है, अब सपोज हम, अब हमें पता है कि हमने स्टार्टिंग के चैप्टर की स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि क्या होता है आपका पोटेंशियल, क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो वर्क डन क्या होता है, वी इंटू क्यू, ये हमारा क्या होता है, वर्क डन होता है. ठीक है, अब मान लो हमने थोड़ा सा चार्ज दिया है इसको डी क्यू, क्यू डैश आने के बाद हम इसको चार्ज कर रहे हैं, डी क्यू से इसको हम चार्ज कर रहे हैं. तो फॉर गिविंग स्मॉल चार्ज डी क्यू, या फिर फॉर चार्जिंग बाय स्मॉल चार्ज डी क्यू, तो द स्मॉल वर्क डन दैट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W क्या होता है, V, तो DW क्या हो जाएगा, V dash into DQ. क्या हो जाएगा, V dash into DQ. और DW equal to क्या हो जाएगा, V dash आपका क्या है, Q dash by C into DQ. DW क्या हो जाएगा, Q dash by C into DQ. क्यों, देखो थोड़ा सा आप चार्ज दोगे जब DQ, थोड़ा सा चार्ज DQ देने के लिए आपको थोड़ा सा वर्क डन करना पड़ेगा DW, और वो DW क्या हो जाएगा, V dash into DQ, क्योंकि work done क्या होता है, V into Q होता है. अब थोड़ा सा चार्ज अगर आप दे रहे हो, थोड़ा सा चार्ज दे रहे हो DQ, तो थोड़ा सा work done करना पड़ेगा DW, and that DW will be equal to V dash into DQ. अब V dash हमें पता है Q dash by C है, तो DW is equal to क्या हो जाएगा, Q dash by C. अब हमें चार्ज कहां तक करना है, Q is 0 to Q तक हमें इसे चार्ज करना है. तो अब टोटल वर्क डन W is equal to क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DW, है ना. तो इसका मतलब W is equal to क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन Q dash by C into DQ, 0 से लेके Q तक, 0 से लेके Q तक. ठीक है, अच्छा, इसको अगर आप Q dash ना मान करके Q मान दीजिए, Q dash ना मान करके इसको आप Q मान दीजिए, ठीक है, स्मॉल Q. ठीक है, स्मॉल Q इसलिए क्योंकि ये dq के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इंटीग्रेट होगा, dq के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इंटीग्रेट होगा. तो यहां पे हम अब देखिए वर्क डन क्या हो जाएगा, 1/c बाहर आ जाएगा, 1/c आपका बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से q, q dq 0 टू q. अब q का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बाय 2, तो वर्क डन इक्वल टू 1/c क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बाय 2, 0 से लेके q तक, और वर्क डन इज इक्वल टू 1/c, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा, q स्क्वायर बाय 2 माइनस, फिर 0 पुट कर दोगे, 0 स्क्वायर बाय 2. ठीक है, इसका मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, 1/2c * q स्क्वायर. ठीक है, तो या हाफ q स्क्वायर बाय c, ये वर्क डन आपका हो जाएगा. एक बार फिर से देख लो, कोई भी आपका कैपेसिटर था इनिशियली, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, कोई भी आपका कैपेसिटर था इनिशियली, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था. जब आपने उसकी चार्जिंग स्टार्ट की, जब आपने चार्जिंग स्टार्ट किया, तो इसने थोड़ा सा चार्ज एक्वायर कर लिया क्यू,
थोड़ा सा चार्ज एक्वायर कर लिया क्यू, ठीक है। अब क्यू एक्वायर करने के बाद व्हेन इट विल एक्वायर चार्ज क्यू, नाउ इफ वी वांट टू चार्ज इट फर्दर तो इट वी विल हैव टू डू द वर्क अगेंस्ट इट, ठीक है। अगर हम इसे फर्दर चार्ज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो अगर हमें डी क्यू से चार्ज करना है तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वी डैश इंटू डी क्यू, क्योंकि वी डैश क्या है, क्यू बाय सी, ठीक है। तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपका, वी डैश की जगह क्यू बाय सी पुट कर दिया डी क्यू। अब आपको चार्ज कहां से करना है, इनिशियली चार्ज कितना था, जीरो, और सपोज कैपिटल क्यू तक आपको चार्ज करना है तो जीरो टू कैपिटल क्यू, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, दैट विल बी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू बाय सी डी क्यू जीरो से लेके क्यू तक, वन बाय थ्री बाहर आ गया, क्यू डी क्यू बचा अंदर, क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय टू, ठीक। फिर अपर लिमिट क्यू स्क्वायर की जगह कैपिटल क्यू पुट किया, फिर क्यू स्क्वायर की जगह यहाँ पे जीरो पुट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ गया आपका, हाफ क्यू स्क्वायर बाय थ्री। अब ये वर्क डन जो है ये किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वन बाय टू क्यू स्क्वायर बाय सी, ये हमारी क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है। अच्छा, इसके हमारे दो फॉर्मूले और आ सकते हैं, कैसे, क्योंकि हमें पता है सिंस क्यू इज इक्वल टू सी वी, क्योंकि हमें पता है सिंस क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो यहाँ पे आप सी वी पुट कर देंगे तो यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय सी, ये कट गया, तो एक फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यू इज इक्वल टू हाफ CV square, half CV square, ठीक है। तो एक क्या हो गया, U is equal to half Q square by C, दूसरा हमारा क्या हो गया, U is equal to half CV square। अच्छा, एक और फॉर्मूला बन सकता है ये, यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं, U is equal to half Q by C into Q, ठीक है। अब Q upon में C क्या होता है, V होता है, Q upon में C क्या होता है, V होता है, इसका मतलब U is equal to half Q, तो ये रहा, और Q by C का क्या आ जाएगा, V, ठीक है। तो तीन फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं, that is half Q square by C, half CV square और half QV, तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। अच्छा, अब मान लो कई सारे कैपेसिटर्स हमारे लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, कई सारे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, तब टोटल एनर्जी क्या होगी, तब टोटल एनर्जी क्या होगी। पहली कंडीशन आप ले लो सीरीज, पहली आप कंडीशन ले लो सीरीज कॉम्बिनेशन की, सीरीज कॉम्बिनेशन में सपोज एक कैपेसिटेंस, दूसरा, तीसरा और सो, ठीक है, एंड सो ऑन आपके लग। अब हमें पता है सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है, क्यू क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है, क्यू हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो जो कांस्टेंट है वो वाला लेके चलो, वोल्टेज वेरी कर रही है, ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लेके चलेंगे, तो इस वाले की एनर्जी क्या हो जाएगी, यू वन क्या हो जाएगा, हाफ क्या हो जाएगा, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी वन, यू टू क्या हो जाएगा, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी टू, यू थ्री क्या हो जाएगा, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी थ्री। तो टोटल एनर्जी यू क्या हो जाएगा, यू क्या हो जाएगा, सारी एनर्जी का सम, यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस सो ऑन, तो यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ क्यू Q square by C1 plus half Q square by C2 plus half Q square by C3। अब half Q square हम common ले सकते हैं इसमें से, तो half Q square common ले लिया, तो अंदर क्या आ जाएगा, 1 by C1 plus 1 by C2 plus so on, तो U is equal to क्या हो जाएगा, 1 by 2 Q square by C equivalent, Q square by C equivalent, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है आपका, ये वाला जो पार्ट होता है वन बाय सी इक्विवेलेंट होता है कि नहीं होता है, देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा, इसको अगर हम ऐसे लिख लें, यू इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, वन बाय सी
इक्विवेलेंट, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ Q स्क्वायर बाय C इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये आपकी सीरीज में आपका आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, सीरीज में हमारा क्या सेम रहता है, चार्ज सेम रहता है, दैट इज चार्ज इज कॉन्स्टेंट। तो हम फॉर्मूला को वाला लेके चलेंगे, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी ये लेके चलेंगे। अब यहाँ पे चार्ज कितना है, क्यू, इसका कैपेसिटेंस सी वन है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी वन। इसका कैपेसिटेंस सी टू है, तो हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी टू। इसका कैपेसिटेंस सी थ्री है, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी थ्री। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, सम ऑफ ऑल द एनर्जी, सम कर दिया है सबको, हाफ क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया, ये वाली चीज वन बाय सी इक्विवेलेंट हो गई, तो आपका ये। इसी तरीके से सिमिलरली अगर हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता, सपोज हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता है क्या कॉन्स्टेंट होता है, पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा क्या कॉन्स्टेंट होता है, पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, हमारा क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपका चार्ज वेरी कर जाएगा, तो ये C1 इसका पोटेंशियल V है, ये C2 इसका भी पोटेंशियल V रहेगा, ये C3 इसका भी पोटेंशियल V रहेगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, इसकी एनर्जी U1 क्या हो जाएगी, हाफ, अब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे CV। ठीक है, तो C1 V स्क्वायर, यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी, U2 क्या हो जाएगी, हाफ C2 into V स्क्वायर, और U3 क्या हो जाएगा, हाफ C3 into V। तो यहाँ पे भी वही टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, U1 plus U2 plus U3 plus so on, तो U is equal to half C1 V square plus half C2 V square plus half C3 V square, बहुत सारे, तो so on, तो U is equal to क्या हो जाएगा, half V square हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, C1 plus C2 plus C3 plus so on। पैरेलल के केस में ये हमारा क्या होता है, सी इक्विवेलेंट, इसका मतलब U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ सी इक्विवेलेंट इनटू V स्क्वायर। ये हमारी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी अगर आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो। ठीक है, क्यों, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारी क्या कांस्टेंट होती है, वोल्टेज कांस्टेंट होती है या फिर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देखेंगे एनर्जी डेंसिटी। नाउ वी विल सी एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, जब हम, ये हमारा कैपेसिटर था फिर से, तो जब हम इसे चार्ज देंगे, तो हमें कुछ वर्कन करना पड़ेगा। उस वर्कन, सपोज इधर पॉजिटिव आ गया, ठीक है, और ये नेगेटिव आ गया, तो उस वर्कन की वजह से क्या सेटअप हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि चार्ज आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसका मतलब जो हम वर्कन कर रहे हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रही है, और जो एनर्जी है, जो इसमें एनर्जी स्टोर हो रही है, तो वो एनर्जी एक्चुअली में किसमें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। फिर तो देखिए, जब हम इसको पहले कहती सिचुएशन ऐसी थी, कुछ ऐसी सिचुएशन थी, अभी कोई चार्ज नहीं है, तो नो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब हमने इसको चार्ज देना शुरू किया, तो जब हमने चार्ज देना शुरू किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो जब हम इसको चार्ज दे रहे हैं, तो वी आर डूइंग सम वर्क ऑन इट। So when we are doing some work on it, that means due to work done here, क्या सेटअप हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रही है यहाँ पे, है ना। तो ड्यू टू दिस वर्क डन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल स्टोर द एनर्जी, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल स्टोर द एनर्जी। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में, या फिर ये कह सकते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब इसमें एनर्जी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है, क्योंकि चार्ज है। चार्ज कैसे आया, वर्क डन करके आया। चार्ज कैसे आया, वर्क डन करके आया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आई, क्योंकि हमने वर्क डन किया। अब हमने वर्क डन किया, तो इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई,
इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी है। ठीक, अब एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी, जैसे वर्ड डेंसिटी आता है आपको समझ में आ जाएगा अपॉन में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है आपकी? एनर्जी डेंसिटी होती है। अब हमें पता है यू जो होता है, यू क्या होता है आपका, क्यू स्क्वायर बाय टू सी या फिर हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, ये हमारा क्या होता है यू। अच्छा, ये जो है डिस्टेंस इसकी डी है, ठीक, एरिया क्या है प्लेट का, ए। ठीक है, तो हमें पता है सिंस सी इज इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। ठीक, अच्छा चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है, ठीक, तो हमें पता है सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई ए, और क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया सिग्मा इंटू ए। तो पहले तो ये वैल्यू पुट कर दो, तो यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू की जगह आप क्या पुट कर देंगे, सिग्मा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन में टू इंटू सी की जगह क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। ठीक, अब जब एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। अब हमें पता है जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब सिग्मा की जगह हम क्या लिख सकते हैं E इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये सिग्मा की जगह आप पुट कर दीजिए, इसका मतलब U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन में 2 into epsilon naught into a, ये d ऊपर चला जाएगा। ठीक, फिर से देखो u आपका एनर्जी क्या था q square by 2c, c क्या होता है epsilon naught a upon में d। ठीक, तो c की जगह ये पुट कर दिया। अब sigma q by a होता है तो q is equal to sigma into a, तो q की जगह sigma square into a square आ गया। ठीक, अब sigma है यहाँ से देखो E क्या होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब सिग्मा इज इक्वल टू E इनटू एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू यहां पे पुट कर दिए, D ऊपर चला गया। अब आप देखिए एप्सिलॉन नॉट से स्क्वायर कट गया, A से स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो इसका मतलब आपका U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा E स्क्वायर इनटू A इनटू D अपॉन में 2, E स्क्वायर इनटू A इनटू D अपॉन में 2 इनटू एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी अपॉन में 2, ये हमारा आ गया। अच्छा, एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है? वॉल्यूम होता है। एरिया इंटू डिस्टेंस हमारा क्या होता है? वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट एरिया इंटू डिस्टेंस ये क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब यू बाय ए डी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, और u अपॉन में v या फिर वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू e स्क्वायर, या फिर क्या लिख सकते हो स्मॉल u ले लो इसको, क्या स्मॉल u एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो स्मॉल u है ये क्या है u अपॉन में वॉल्यूम, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, ये हमारी क्या हो गई एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, इसमें कुछ किया नहीं है हम लोगों ने, सिंपल u इक्वल टू हाफ q स्क्वायर बाय c था, q की वैल्यू सिग्मा इनटू a पुट कर दी, c की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d पुट कर दी, फिर यहां से सिग्मा इज इक्वल टू e एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया तो ये आ गया आपका, और a इनटू d एरिया इनटू डिस्टेंस क्या होता है वॉल्यूम, तो ये अपॉन में ले आए u by ad is equal to half epsilon naught e square, u by ad मतलब u by volume, इसको क्या मान लिया small u मान लिया, तो small u is equal to half epsilon naught e square, ये हमारी क्या हो गई energy density of an electric field। ठीक, अच्छा आप एक condition और देख लेते हैं कि जब charge जो है ना redistribute होता है, मतलब कि तो क्या एनर्जी में लॉस होता है, क्या गेन होता है या लॉस होता है, जो भी होता है कितना होता है। देखो इसमें हम क्या देखेंगे, पहले सपोज हमारे पास एक कैपेसिटर है, सपोज एक हमारे पास क्या है कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू क्या है C। ठीक है, इसको हमने सोर्स से कनेक्ट किया C। ठीक है, अभी इसके अंदर चार्ज कितना हो जाएगा
Q is equal to CV, तो Q1 is equal to C1 V1. इसके अंदर इतना चार्ज स्टोर्ड है. ये हमारा दूसरा कैपेसिटेंस है C2. इसको हमने कनेक्ट किया किससे? V2 से. किससे कनेक्ट किया? V2 से कनेक्ट किया. तो यहाँ पे चार्ज कितना है आपका? Q2 is equal to C2 V2. ठीक है. तो अब ये दो हमारे अलग अलग कैपेसिटर्स हैं. ठीक है. एक की एक का पोटेंशियल V1 पे दे रखा है, एक में पोटेंशियल V2 दे रखा है. ठीक है. और दोनों में चार्ज है, एक में चार्ज Q1, एक में चार्ज Q2. ठीक है. ये हमारे क्या हो गए? दोनों में चार्ज. अब हम दोनों में अलग अलग एनर्जी निकाल लेते हैं. ठीक है. तो इसकी एनर्जी क्या हो गई? हाफ सी वन वी वन स्क्वायर, ये यू वन हो गया. और इसकी एनर्जी क्या हो गई? यू टू इज इक्वल टू हाफ सी टू वी टू. तो इसका मतलब टोटल एनर्जी, दोनों की अगर हम टोटल एनर्जी मिलाए, जब अलग अलग थे, ये अलग है ये अलग है, अभी इन दोनों की टोटल एनर्जी क्या है? U is equal to half C1 V1 square plus U is equal to half C2 V2 square. U is equal to U1 plus U. ये हमारी एनर्जी होगी अभी, जब ये क्या है? दोनों कैपेसिटर अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से डिपेंड नहीं है. सिंपल. ठीक है. अच्छा, अब हम इसमें से क्या करते हैं? इस वाले कैपेसिटर में से ये सप्लाई हटा देंगे, ये हमने सप्लाई किया. ठीक. अच्छा, अब इसमें जो चार्ज था Q1 था, तो उतना ही चार्ज रहेगा, क्योंकि सप्लाई हटा दी, जितना चार्ज स्टोर्ड है उतना ही स्टोर्ड रहेगा. इसमें से भी हटा दिया हमने, अब जितना चार्ज स्टोर्ड है उतना ही स्टोर्ड रहेगा. अब हमने क्या किया? इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया. देखो यहां ये एक पार्ट हो गया. ठीक है. इन दोनों को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया. ये आपका क्या हो गया? C1. और ये हमारा क्या हो गया? C2. ठीक है. इसको अभी हमने किसी भी सोर्स से कनेक्ट नहीं किया है, इसको अभी हमने किसी भी सोर्स से कनेक्ट नहीं किया है. ठीक है. तो अब इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा. ठीक है भाई, क्योंकि दोनों पैरेलल में आ गए, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल जो होगा वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. ठीक है. और चार्ज T1 वाले में कितना रहेगा? जितना उसके अंदर स्टोर्ड था. कितना रहेगा? Q1. और C2 वाले में कितना स्टोर्ड था? Q2. तो उस पे कितना रहेगा? Q2 ही रहेगा. ठीक है. तो अब यहाँ पे अगर आप देखें, इस पे जो चार्ज है, अभी जो नेट चार्ज आपका क्या है? Q अगर है तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2. ठीक है. टोटल चार्ज इन दोनों कैपेसिटर का मिला ले तो Q होगा, और वो क्या होगा? इन दोनों चार्ज का सम होगा. तो इसका मतलब Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2. Q1 कितना है? इसके अंदर कितना चार्ज है? C1 V1. इसके अंदर कितना चार्ज है? C1 V1. और इसके अंदर कितना चार्ज है? C2 V2. कितना चार्ज है? C2 V2. ठीक है. तो Q हमारा क्या हो गया? C1 V1 प्लस C2. अच्छा, अब Q क्या होगा? C equivalent into V. Q क्या होगा? C equivalent into V, क्योंकि total charge क्या होगा? तो total capacitance होगा. total capacitance क्या होगा? C equivalent into V. तो वो क्या हो जाएगा? C1 V1 plus C2 V2. ठीक है. C1 V1 plus C2 V2. अब हमारा C equivalent क्या होगा? parallel combination है. C equivalent क्या होगा? C1 plus C2, obviously. तो C equivalent की जगह क्या पुट कर देंगे? C1 plus C2 into V is equal to C1 V1 plus C2 V2. इसका मतलब V is equal to क्या हो गया? C1 V1 plus C2 V2upon में C1 plus C2. ये हमारा इन दोनों कैपेसिटेंस के अक्रॉस क्या आ गया? पोटेंशियल आ गया, जब ये दोनों क्या है? कंबाइंड है. जब ये दोनों क्या है? कंबाइंड है. ठीक है. एक बार आप फिर से देख लीजिए क्या कि पहले ये दोनों थे अलग अलग, ये दोनों क्या थे? अलग अलग. ठीक है. इस पे पोटेंशियल V1 था, इस पे पोटेंशियल V2 था. ठीक है. तो इसमें चार्ज क्या है अभी? Q, दैट इज इसमें चार्ज Q1 मान लिया, तो C1 V1 हो गया. इसमें चार्ज Q2 C2 V2. ठीक. अब इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ C2 V2 स्क्वायर. तो इन दोनों की टोटल एनर्जी सम कर देंगे हम, उसको क्या कर देंगे? सम कर देंगे. तो U is equal to half C1 V1 square plus half C2 V2 square. ये तो एक पार्ट हो गया. ठीक. अच्छा,
अभी इसमें चार्ज Q1 है, अब Q1 चार्ज के बाद अगर मैं सप्लाई हटा दें तो इसमें चार्ज तो Q1 ही रहेगा, दैट इज C1V1, और इसमें चार्ज C2Q2 रहेगा, दैट विल बी C2V2। अब हमने इन दोनों को यहां पे पैरेलल कनेक्ट कर दिया और कोई सप्लाई नहीं है, तो जो इसमें चार्ज होगा अभी Q, टोटल चार्ज जो इन दोनों कैपेसिटेंस का मिला ले वो क्या होगा, Q1 plus Q2 होगा, ठीक। अच्छा, तो वो जो Q1 plus Q2 होगा, Q equal to, तो Q1 की वैल्यू पुट कर दी C1V1, क्योंकि इसमें C1V1 ही है और इसमें C2V2 है चार्ज, ठीक है। अच्छा, अब Q क्या होगा, टोटल कैपेसिटेंस मतलब कि इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा, ऐसे करके आएगा ना, C1 plus C2, और Q चार्ज था तो Q into C1 plus C2, या फिर Q की जगह क्या है, Q is equal to CV होता है, तो Q is equal to C equivalent into V, C equivalent into V is equal to C1 V1 plus C2 V2, और C equivalent हमारा क्या है, C1 plus C2, C1 plus C2 into V is equal to C1 V1 plus C2 V2, तो V हमारा क्या गया, ये पूरा अपॉन में चला गया, ठीक है। अब इस कंडीशन में, ये तो हमारा एक कंडीशन हो गई ऊपर वाली, ठीक है। अब इसमें एनर्जी क्या हो जाएगी, उसको मान लो, ये तो यू इनिशियल मान लो, ये जो एनर्जी थी इनिशियली थी, अब फाइनल, अब जो एनर्जी होगी क्या होगी, हाफ सी इक्विवेलेंट इनटू वी स्क्वायर, भाई हाफ सी वी स्क्वायर लेके चल रहे हैं तो क्या हो जाएगी, हाफ सी इक्विवेलेंट इनटू वी स्क्वायर, तो फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ सी इक्विवेलेंट की जगह क्या आ जाएगा, सी वन प्लस सी टू, सी वन प्लस सी टू इनटू वी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा आपका, C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2 का whole, ठीक है। तो U final क्या हो जाएगा, half C equivalent into V, तो U final क्या हो जाएगा, half C1 plus C2, C equivalent की जगह और V square, V की जगह C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2 का whole square। तो इसका मतलब हमारा जो U final है वो क्या हो जाएगा, 1 by 2 C1 plus C2 into C1 V1 plus C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 plus C2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो U फाइनल क्या हो गया, हाफ C1 V1 plus C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय C1 plus C2, ये हमारी क्या हो गई, ये फाइनल एनर्जी आ गई, ठीक है। ये कब है, जब पहले ये था अलग अलग, फिर इनको कंबाइन कर दिया, ठीक है, सोर्स हटा के, ठीक है। तो फाइनल एनर्जी क्या होगी, हाफ सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन में सी वन प्लस सी टू, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, एनर्जी में कितना लॉस हुआ, ठीक है। तो अब जब हमें एनर्जी में लॉस निकालना है, तो इनिशियली जितनी थी और जो फाइनली है, इनिशियल वाले में से फाइनल वाली क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सिंपल। तो इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या आएगा, तो लॉस इन एनर्जी, क्या लॉस इन एनर्जी, दैट इज डेल्टा यू, क्या हो जाएगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, तो क्या हो जाएगा, हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 square minus ये half क्या C1V1 plus C2V2 का whole square divided by C1 plus C2, ये हमारी क्या आ गई, loss in potential energy आ गई, इतनी हमारी energy क्या हो जाएगी, loss हो जाएगी। अब इसको आप arithmetically क्या कर लेंगे, solve कर लेंगे, arithmetically क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल आपका वही वाला कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा, कॉमन लेना और ये सब करना, तो ये क्या हो जाएगा, 1 by 2 C1 V1 square plus 1 by 2 C2 V2 square minus 1 by 2 बाहर यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, A square plus B square plus 2AB, तो क्या हो जाएगा, C1 V1 square प्लस C2 V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 ऑल डिवाइड बाय C1 प्लस C2, ठीक। अब आप हाफ कॉमन ले लो पूरे में से, तो हाफ कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा, C1 V1 स्क्वायर
प्लस सी टू वी टू स्क्वायर माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो चाहे तो, या फिर अभी रहने दो, माइनस अंदर क्या हुआ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस सी टू वी टू स्क्वायर प्लस टू सी वन सी टू वी वन वी टू डिवाइड बाई सी वन प्लस सी टू, ठीक है सी वन प्लस सी टू। अब ये एलसीएम आ जाएगा सी वन प्लस सी टू, तो ये क्या हो जाएगा वन बाय टू, नीचे एलसीएम आ गया क्या सी वन प्लस सी टू, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक बार सी वन इन सब में मल्टीप्लाई होगा, एक बार सी टू इन सब में मल्टीप्लाई होगा, पहले सी वन को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर, जब सी वन मल्टीप्लाई हुआ इसमें फिर इसमें क्या आ जाएगा सी वन सी टू वी टू स्क्वायर, ठीक फिर सी टू मल्टीप्लाई हुआ इसमें तो क्या हुआ प्लस सी वन सी टू वी वन स्क्वायर, फिर सी टू मल्टीप्लाई हुआ इसमें प्लस सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस अंदर गया तो क्या हो जाएगा माइनस अंदर गया माइनस सी वन वी वन स्क्वायर माइनस सी वन वी वन स्क्वायर माइनस सी टू वी टू स्क्वायर, ठीक है और प्लस टू सी वन सी टू वी वन वी टू, ठीक है फिर से देख लो पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं। तो ये सी वन वी वन स्क्वायर और सी वन वी वन स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है ये सॉरी सी वन स्क्वायर आ जाएगा ना जब वो आप स्क्वायर खोलो अपॉन में C1 प्लस C2, ठीक है पहले यहां तक एक बार देख लो फिर से क्या किया डेल्टा लॉस ऑफ एनर्जी फाइनल वाली जो एनर्जी थी कॉम्बिनेशन की और इंडिविजुअल अलग अलग जो एनर्जी थी तो वो हमने इसमें से ये माइनस कर दिया इनिशियल वाले में से फाइनल वाली माइनस कर दी, ठीक है तो इनिशियल एनर्जी ये थी फाइनल एनर्जी ये थी तो ये पहले एनर्जी आ गया माइनस हाफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी लग गया इसमें तो सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर प्लस टू सी वन सी टू वी वन वी टू होल डिवाइड बाई सी वन प्लस सी टू, ठीक फिर हाफ बाहर ले लिया ये ऐसे लिख लिया हाफ बस कॉमन आ गया। अब इसका एलसीएम ले लिया तो ये एक बार इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो जाएगा सी वन स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस अब c1 इसमें मल्टीप्लाई हुआ c1 c2 v2 स्क्वायर, ठीक है फिर c2 इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो c2 c1 v1 स्क्वायर c2 c1 v1 स्क्वायर फिर c2 इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, ठीक अब माइनस अंदर गया तो माइनस c1 v1 स्क्वायर माइनस c2 v2 स्क्वायर और माइनस 2 c1 c2 v1 v2, ठीक अब माइनस प्लस का सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर माइनस का सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर कैंसिल प्लस का सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर माइनस का सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर कैंसिल तो अब ये बचा हमारा। अब इसमें से देखिए सी वन सी टू सी वन सी टू सी वन सी टू कॉमन ले सकते हैं तो आपका क्या हो जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ सी वन सी टू कॉमन ले लिया और नीचे क्या आ गया आपका सी वन प्लस सी टू और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर और ये सॉरी माइनस का 2v1 v2 होगा प्लस का नहीं होगा ये माइनस का होगा क्योंकि माइनस इनटू प्लस माइनस, ठीक है माइनस 2v1 v2, ठीक है तो आपका ये क्या हो जाएगा डेल्टा u इज इक्वल टू हाफ c1 c2 अपॉन में c1 प्लस c2, ठीक है तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी तो ये क्या लिख सकते हैं हम वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर तो ये हमारी लॉस ऑफ एनर्जी आ गई। यहाँ पे बस ये ध्यान देना माइनस और प्लस माइनस है, ठीक है ये पॉजिटिव नहीं था माइनस था और ये भी माइनस था, ठीक है तो ये क्या हो गया डेल्टा यू इक्वल टू हाफ सी वन सी टू अपॉन में सी वन प्लस सी टू इंटू वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर माइनस टू वी वन वी टू जब हमने यहाँ सी वन और सी टू
कॉमन ले लिया, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अच्छा यहाँ पर आप v2 माइनस v1 भी लिख सकते हैं, चाहे v1 माइनस v2 लिख लीजिए, चाहे v2 माइनस v1 लिख लीजिए, ठीक है। दोनों ही केस में आपका सेम आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारी क्या होती है, लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। कब, जब कैपेसिटर, पहले दो कैपेसिटर इंडिपेंडेंट है, फिर उनको एक साथ कनेक्ट कर दिया गया पैरेलल, तो कितनी एनर्जी लॉस होगी। तो इंडिपेंडेंट हमारी एनर्जी ये थी, जब कंबाइंड है तो ये है, इसमें से हमने ये माइनस कर दिया, ये हमारी लॉस ऑफ एनर्जी आ गई, ठीक है। सो अब जो है ये हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। नाउ फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, दैट इज करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी।